शुभेच्छा। और ये सेशन आपका सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा, जो पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए थे उन सेंटेंसेस के आंसर्स के द्वारा। तो पिछले सेशन में मैंने आपको पांच सेंटेंसेस दिए हुए थे, इन पांचों सेंटेंसेस को देखते हैं वास्तव में इनमें क्या कमियां हो रही है। जो पहला सेंटेंस है आपका वो है, नो किंग इन हिस्ट्री इज सो फेमस एज अशोक। अगर मैंने ये कहा होता कि नो किंग इन इंडियन हिस्ट्री, तो फिर मेरा मतलब ये होता कि मैं केवल भारतीय इतिहास से मतलब रखता हूं, तो फिर मैं भारतीय राजाओं की बात करता हूं। लेकिन मैंने कहा नो किंग इन हिस्ट्री इज सो फेमस एज अशोक, इट मीन्स मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अर्थात यहां पे अगर हम पूरे विश्व के इतिहास से बात कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होगी, यानी वाक्य सही है आपका, नो एरर है, नो किंग इन हिस्ट्री इज सो फेमस एज अशोक। अगर यहां पे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर इंडियन हिस्ट्री दिया होता वहां पे कंफ्यूजन हो सकता था, बट अगर हमने हिस्ट्री दे दिया मीन्स हम पूरे इतिहास के सभी राजाओं की बात कर रहे हैं, यानी यहां पे नो एरर शो किया जाए। दूसरा वाक्य है आपका, महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर देन एनी वॉरियर इन इंडिया। ध्यान से देखें, एनी वॉरियर इन इंडिया, यानी हम भारतीय योद्धाओं की बात कर रहे हैं। तो अगर हम भारतीय योद्धाओं की बात कर रहे हैं तो फिर हमारा एक ही ग्रुप हुआ, और अगर एक ही ग्रुप हुआ इट मीन्स महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर देन एनी अदर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक ही ग्रुप की दो चीजों या दो व्यक्तियों का कंपैरिजन है तो नो या एनी के बाद आपको अदर का प्रयोग करना होगा। तो यहां पे एनी वॉरियर की अपेक्षा एनी अदर का प्रयोग कर गया। नेक्स्ट है आपका, नो बुक एमंग द हिंदूज इज सो होली एज द रामायण। ध्यान देखें, मैंने एमंग द हिंदूज की बात की, यानी एक ही ग्रुप अगर आपका है तो अगर एक ही ग्रुप है तो फिर आपको नो बुक का प्रयोग न करके नो अदर बुक का प्रयोग करना होगा आपको, यानी एक पोर्शन में आपके एरर है, नो बुक के स्थान पे नो अदर बुक। नेक्स्ट है, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी गर्ल इन हर क्लास। हम एक ही क्लास की बात कर रहे हैं, उसी की क्लास की बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे जहां एनी गर्ल है वहां पे एनी अदर गर्ल का प्रयोग करना होगा, यानी बी पोर्शन में एरर है आपका तो एनी अदर गर्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल इन माई क्लास इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास। यानी मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं और दैट क्लास उस क्लास की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है दो ग्रुप्स हैं। अगर दो ग्रुप्स हैं इसका मतलब है कि अब्दुल इन माई क्लास इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर दो ग्रुप्स हैं तो आपको नो या एनी के बाद अदर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी देन एनी स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास हो जाएगा, सी पोर्शन में आप कह रहे हैं। ये पांच क्वेश्चन जो मैंने दिए थे आपको, कहा था आप मेहनत करिए, आप इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं तो आपके काम है। तो चलिए आपसे कॉमन एरर्स का दूसरा सेशन शुरू करते हैं। कॉमन एरर नंबर एक है आपकी, और देखें कि यहां पे क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन वी टू नो इट। ध्यान से देखें, व्यक्ति एक ही है रमेश, लेकिन इसकी दो एडजेक्टिव्स के लिए हमने यूज किया इनका, हैप्पियर और ग्रीव। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन देन के द्वारा आपस में किया जाए तो आप हमेशा दोनों एडजेक्टिव्स को पहले पॉजिटिव डिग्री में कर लें, और फिर जो पहला एडजेक्टिव आपका हैप्पियर है इसको हैप्पी बनाकर इसके पहले मोर लगा दें। फिर से, एक ही व्यक्ति के दो गुणों का आपस में अगर कंपैरिजन है तो दोनों एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव करें, यानी यहां हैप्पी होगा और यहां ग्रीव्ड ऑलरेडी है आपका, और फिर हैप्पी के पहले मोर लगा दें, यानी हमारा वास्तविक सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा, None can believe that Ramesh is more happy than grieved to know it. यानी कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता है that कि Ramesh is more happy than grieved. यानी रमेश ज्यादा खुश होगा दुखी होने का अपेक्षा to know it, यह जानने के बाद। यानी यहां पे जहां happier है वहां पे more happy हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
अब आप ये सेंटेंसेस आसानी से कर सकते हैं. कैसे देखें, दिस यंग मैन इज टॉलर देन स्ट्रॉन्ग. ध्यान से देखें, एक ही यंग मैन है, इसके दो गुण हैं, टॉल होना और स्ट्रांग होना. तो जो गुण पहले है टॉलर आपका, इसे पहले पॉजिटिव डिग्री में करें, इसे टॉल बनाएं और इसके पहले मोर लगाएं, यानी दिस यंग मैन इज मोर टॉल देन स्ट्रांग. दूसरा सेंटेंस है आपका, माय ब्रदर इज वाइजर देन इंटेलिजेंट. एक ही सब्जेक्ट है आपका ब्रदर, और इसके दो गुण हैं, वाइज होना और इंटेलिजेंट होना. क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं, अतः जो पहला एडजेक्टिव आपका वाइजर है, इसे वाइज बनाएं और इसके पहले मोर लगा दें, यानी माय ब्रदर इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट हो जाएगा. ये कॉमन एरर नंबर टू है आपकी, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट बीस्ट. यानी दो खिलाड़ियों में वो लकीएस्ट है, मीन सबसे लकीएस्ट है, भाग्यशाली है, बीस्ट निश्चित है आप. नहीं, ध्यान से पहले देखेंगे तो दो लोगों के बीच में कभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता. सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए कम से कम तीन या तीन से अधिक लोग होने चाहिए, यानी यहां पे कभी भी लकीएस्ट नहीं हो. हमेशा याद रखें, जब ऑफ द टू का स्ट्रक्चर हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लें, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर लें. तो जहां पे लिखा है ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, उसे द लेने के साथ लकीयर बना दें, यानी इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर बी सीओ. यानी कभी भी अगर ऑफ द टू का स्ट्रक्चर है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें और उसके पहले द का प्रयोग करें. अभी वाक्य हम कर सकते हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ द टू ग्रेट प्लेयर्स. अगर दो ही ग्रेट प्लेयर्स हैं तो उनमें वो बेस्ट कैसे हो सकता है, यानी हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होगी, बेस्ट को हमें बेटर में यूज करना होगा. ही इज द बेटर ऑफ द टू ग्रेट प्लेयर्स. दूसरा वाक्य आपका, द यंग बॉय इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट्स. अगर दो ही स्टूडेंट्स हैं तो सोचिए आप टॉलेस्ट कैसे हो जाएगा, यानी यहां पे जहां टॉलेस्ट है उसे टॉलर बनाए, और ऑलरेडी वहां पे द लगा हुआ है, तो द यंग बॉय इज द टॉलर ऑफ द टू स्टूडेंट्स. यानी ऑफ द टू का स्ट्रक्चर दिया गया हो, कंपैरेटिव डिग्री यूज करें और उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करें. कॉमन एरर थ्री है लास्ट, ही इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर. कभी कभी एक ही वाक्य में एक पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर दिया जाता है और इफ या इस तरीके कंजंक्शन के द्वारा एक कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर दिया जाता है. आप ये देख लें कि क्या पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों की शर्तें पूरी हो रही हैं. आप ध्यान से देखें, ही इज एज ऑनेस्ट. अगर ये एज ऑनेस्ट है तो ध्यान से सोचें कि आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है, एज. फिर दूसरी क्लास है आपकी, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर. दूसरी क्लास की देखिए शर्त पूरी हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री है, मोर ऑनेस्ट देन का प्रयोग है, दोनों शर्तें पूरी हो रही है. लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री की शर्त होती है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम एज एज के बीच में रखते हैं या सो एज के बीच में रखते हैं, यहां एक एज दिया गया है लेकिन दूसरा एज गायब है, यानी ए पोर्शन में गलत है. वाक्य होना चाहिए था, ही इज एज ऑनेस्ट एज इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर. फिर से देखें, ही इज एज ऑनेस्ट एज, यहां पर गायब था, ही इज एज ऑनेस्ट एज नहीं दिया गया था, ही इज एज ऑनेस्ट एज होगा यहां पे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के बीच में रखते हैं. अभी वाक्य हम कर सकते हैं, द मैन वॉज एज टॉल इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन द यंग बॉय. ध्यान से देखें, कंपेरेटिव डिग्री की जो शर्त आपकी है वो पूरी हो रही है. वो शर्त है कि यहां पे स्ट्रॉन्गर दिया गया है, देन दिया गया है, दोनों शर्तें हैं. लेकिन पॉजिटिव डिग्री की शर्त को देखें, द मैन वॉज एज टॉल, फिर वही गलती, एज टॉल एज होना चाहिए यहां पे, यानी वाक्य होना चाहिए आपका, द मैन वॉज एज टॉल एज इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन द यंग बॉय. दूसरा सेंटेंस देखें, द गर्ल वॉज टॉलर
इफ नॉट एज वाइज एज द बॉय. ध्यान से देखें, द गर्ल वॉज टॉलर, ऐसे वो छूट रहा है क्योंकि टॉलर कंपेरेटिव है, तो इसके बाद बैन का आना होना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं दिया गया. फिर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव ली, इफ नॉट एज वाइज एज द बॉय, यानी कि हमारी पॉजिटिव डिग्री की जो शर्त है एज वाइज एज वो पूरी की जा रही, लेकिन जो कंपेरेटिव डिग्री की शर्त है टॉलर के बाद दैन वो नहीं दिया गया है, यानी हमारी एरर पोर्शन जो होगा ए पोर्शन में है. द गर्ल वॉज टॉलर दैन इफ नॉट एज वाइज एज द बॉय. ये तीन कॉमन रूल्स आपको मैंने बताए जो एक्चुअली एडजेक्टिव से संबंधित हैं और एग्जाम्स में रेगुलरली आपको दे जाते हैं. अगर आप इन पे धीरे धीरे मेहनत करेंगे, इसके पहले भी जो मैंने कॉमन एरर्स दिए थे वो एडजेक्टिव से ही संबंधित थे, तो इस पर धीरे धीरे अपनी नोट्स बनाते जाएं कि अगर इस तरीके के वाक्य आपको दे जाए तो उसे कैसे हम एरर को फाइंड आउट करते हैं. तो आगे मैंने एग्जाम से संबंधित कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप कोशिश करिएगा कि उन्हें सॉल्व करें, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर सॉल्व करके मुझे कमेंट करके, लाइक करके या शेयर करके आप बताएं कि हाँ किस तरीके से आप इसे हल करते हैं. ये पांच सेंटेंसेस हैं, देख लें आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बताएं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा सेंटेंस जो है उसमें कौन से एरर है. मैंने वही सेंटेंसेस आपको दिए हैं जो रूल्स अभी तीनों मैंने आपको बताए हैं. तो परिश्रम करें, हर हाल में इसका फायदा मिलेगा, करिएगा जरूर, क्योंकि मैं देखूंगा कि आपने कितने सही किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं. थैंक्स.